सो भाई जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सारा काम ऑलरेडी डन हो चुका है, पूरा प्रोसेस इसका खत्म हो चुका है ऑलरेडी। सो इसके अंदर मैं आपको एक फीचर बता देता हूँ कि क्या क्या हमने इसमें एड ऑन किया है गाड़ी के अंदर, क्या चीज़ें हमारी अपडेटेड हुई हैं इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा इसमें मैं, ये जो इसकी ग्रिल है ये हमने रिप्लेस करी है, जो इसकी पुरानी ग्रिल थी वो हमने रिप्लेस करके इसमें नई टॉप मॉडल की ओरिजिनल ग्रिल लगाई है। और उसके बाद बात करें हम नीचे लोअर साइड की, तो इसमें ये हमने सेफ्टी गार्ड्स इंस्टॉल किए हैं, ये देख लीजिए, इसका कोई ओवरलुक आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे बीच में और ऑप्शन आता है, बेसिकली बीच में ग्रिल्स भी लगा सकते हैं, बट बी इसमें बिल्कुल सिंपल और सुबह रखा है ताकि ये पूरा ओरिजिनल टॉप मॉडल का लोडिंग स्टार्ट होने के बाद इस टाइप का लुक आपको देखने को मिलने वाला है इस वीडियो में आपको। आप देख सकते हैं इसकी कैसा आपको ओवरलुक इसका मिलेगा आपको, ये आप देख सकते हैं टोटल ओवरलुक इस गाड़ी का देखने को आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। और उसके बाद अगर लोअर पार्ट की बात करें हम, तो इसमें हमारी डे टाइम रनिंग लाइट आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो इसका बीच का पार्ट है वो टॉप मॉडल जैसे ओरिजिनल आपके कंपनी में आता है सेम आपको देखने को। साइड प्रोफाइल की बात करें तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो एक अलॉय का जो साइज है, मैं अभी ऐसे कंफर्म करूँ अलॉय का साइज क्या है। तो भी इसके अलॉय का साइज जो आपने कितना अपग्रेड किया है इसमें 16 इंचेस में, भी आपने सुबह मॉर्निंग बता रहे थे इसके बारे में 20,000 कुछ नहीं स्पेंड नहीं बोल रहा मैं आपको, जो इसका साइज है वो टायर साइज 16 इंच में है। तो इसमें गाइस आप देख सकते हो जो इसका लुक है ओवरलुक बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके अलावा बीएन ने इसके अंदर जो है एक ब्लूइश पेंट साथ में करा दिया है डिस्क ब्रेक्स पे, ताकि जो इसकी लुक और इनहेंस होकर आती है। और उसके बाद साइड स्टेप्स की अगर बात करें तो भी एक बार खड़े होकर दिखा दो कि ऑलमोस्ट ये कितना वेट ले सकता है। लो मेरा वेट तो लेस ही है अभी, साइड स्टेप पर तो मेरे वेट में भी ठीक है, मतलब ये अच्छी चीज है नो डाउट। और उसके अलावा अगर हम बात करें स्टेप्स के बारे में, ये हमारी वेलकम प्लेट्स होती है जनरली, हमेशा की तरह हमारी सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी स्टेप्स हमने इसमें यूज करी हैं। तो जैसे कि गाइस मैंने आपको शुरुआत वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि ये गाड़ी इंटीरियर के ऊपर रहने वाली है, तो इसका इंटीरियर आप ऑल ओवर चेकआउट कर सकते हो क्या इसका इंटीरियर है इसके अंदर। सो प्रॉपर लुक आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, कैसा लुक इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। और गाइस बात करें इंटीरियर की फिनिशिंग के बारे में, तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग में दी गई है, आप देख सकते हैं कहीं पे भी कोई कपड़ा कहीं से बाहर नहीं निकल रहा है। सो सारा काम एज टू एज है, किसी भी चीज में कोई किसी तरह की कमी नहीं है। और आप सारा देख सकते हैं सारा काम बहुत ही फिनिशिंग से और बहुत ही अच्छे एलिगेंट लुक में दिया गया है इसको। और आप देख सकते हैं साइड में अगर हम डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड में भी इसमें काफी सारे बबल्स आ जाते हैं, तो एक बार मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ, तो किसी तरह का कोई बबल नहीं है कहीं पे भी और कोई कटिंग के निशान नहीं दिख रहे हैं हमें इसमें। और इसके बाद गाइस बारी आती है अपने स्टेयरिंग कवर की। सो स्टेयरिंग कवर में हमें सबसे मेन जो चीज की स्टिचिंग थी, तो स्टिचिंग का मैं आपको एक ओवरलुक दे देता हूँ कि स्टिचिंग किस टाइप में इसमें करी गई है। सो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही टॉप मॉडल की सेम शेप में इसको बनाया गया है। और हम बात करें अगर गाइस पिलर की, तो पिलर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे पिलर जो है आपके वो भी बहुत ही अच्छी लुक में इसको फिनिशिंग दी गई है, आप देख लीजिए इसका भी चेकआउट आप कर सकते हैं। उसके अलावा भैया ने जो छत है वो ओरिजिनल ओरिजिनल कलर की ही लगाई है इसमें भी, जो आपने छत है वो ओरिजिनल कलर ही चूज किया, मतलब ऐसा क्या रीजन था कि आपने इसको ब्लैक कलर भी दे सकते थे जैसा पूरा इंटीरियर ब्लैक कलर। एक्चुअली क्या है कि मेरे को लगा कंट्रास्ट में ब्लू ही अच्छा रहेगा, हाँ। ओरिजिनल के साथ तो ऐसे ही रख दिया फिर मैंने, मेनली है कि मतलब कि ज्यादा छेड़छाड़ी ना करी जाए कंपनी की, जो एक्चुअली नहीं एक्चुअली क्या है जो इंटीरियर का कलर है मैच करता है इसलिए हमने ये वाला रख दिया, मेनली यही रीजन था। उसके अलावा गाइस अगर हम बात करें इसके स्टीरियो के बारे में, तो स्टीरियो भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा, सोनी का ब्रांडेड स्टीरियो है ये, बिल्कुल लोकल स्टीरियो नहीं। क्या अगर लोग आजकल बहुत ज्यादा एंड्रॉइड स्टीरियो की तरफ फोकस कर रहे हैं, बट रिलायबल जो है हमारा यही स्टीरियो रहता है। और इसके फीचर के बारे में आप गाइस आपको मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर जो आपको फीचर्स मिल जाते हैं, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो जरूर मिलता है, ये सोनी का 3000 मॉडल नंबर है। और इसमें आप जो आउटपुट है बहुत ही ज्यादा अच्छी रहने वाली है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज वायरलेस चार्जिंग पॉड, तो यहाँ पे हमने जो इसमें इंस्टॉल किया है वायरलेस चार्जर इंस्टॉल किया है, आप देख सकते हो ये इसका इंस्टॉल चार्जर है, ये इसमें लाइट जल रही है ऑलरेडी, ये देख लीजिए ये इसमें डायग्राम बना हुआ है वायरलेस चार्जर का। सो भी एक बार करके दिखा दो कि वायरलेस चार्जिंग होती है ऐसे एक्चुअल में। सो भी एक बार यहाँ पे फोन रखेंगे तो उसके बाद ये चार्ज होगा आपको खुद, ये देख लीजिए यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन आ चुका है ऑलरेडी, और ये वायरलेस चार्जर है, कोई किसी तरह की कोई बैटरी या कुछ ऐसा बैकअप इसमें नहीं दिया गया है। अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये देख लीजिए, ये कोई इसमें वायर यूज नहीं की गई है,
और अगर इसको हम यहाँ पे प्रॉपरली रख देते हैं इसके ऊपर, तो ये देख लीजिए चार्जिंग इसकी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। चार्जिंग के बाद गाइस बात आती है अगर इसके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की, तो एक वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसमें मैंने क्लाइमेट कंट्रोल ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा कि कैसा उसका रिस्पॉन्स रहा है और कैसा आपको उसके अकॉर्डिंगली एक फीचर आप एड ऑन कर सकते हो अपने बेस मॉडल में। और बात आती है गाइस टॉप मॉडल के स्टेयरिंग नॉब की, तो स्टेयरिंग नॉब भी हमने सेम एज इट इज टॉप मॉडल का स्टेयरिंग नॉब इंस्टॉल किया है, आप देख सकते हैं। और कोई भी किसी तरह का कोई गैप नहीं है इसमें, देख लीजिए कोई गैप नहीं है किसी तरह का, ये देखिए प्रॉपरली इसके सारे गियर्स वगैरह यूज हो रहे हैं। गाइस आपको मैं एक ओवरलुक और दे देता हूँ इंटीरियर का, जैसे कि ये हमने डोर्स इसमें इंस्टॉल मतलब कि रेडी किए हैं प्रॉपरली ब्लू कलर एंड ब्लैक शेड में। और उसके बाद सेकंड थिंग डैशबोर्ड की बारी आती है, थर्ड थिंग हमारे जो है पिलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस कार में, और उसके बाद आती है स्टेयरिंग कवर की बारी। सो एक छोटा सा पार्ट जो मेरा दिखाना रह गया था इस वीडियो के अंदर वो था इसका गियर बोर्ड और आपका आर्मरेस्ट। और इसके गाइस अगर हम पीछे की तरफ चले इसमें, तो उसकी लुक भी काफी ज्यादा प्यारी आपको देखने को मिलने वाली है इस कार में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो फिनिशिंग है बहुत ही ज्यादा मैटर करता है इसकी फिनिशिंग का काम। सो आप देख सकते हैं कहीं से भी कोई वट या कोई भी आपका गैपिंग नहीं है। और ये देखिए बहुत ही स्पंची है, देख सकते हैं आप। और इसके अलावा हमने जो लास्ट इसके पिलर्स हैं वो भी इसमें पूरे के पूरे कलर चेंज किया है इसका, थोड़ा सा भी अगर सामान पड़ा है। देन उसके बाद ये वाला पार्ट भी जो है हमने पूरा प्रॉपरली, ये देख लीजिए ये वाला पार्ट भी हमने प्रॉपरली इसमें कट करके यहाँ पे बेल्ट निकाल दी है। तो लास्ट में जो बारी आती है वो हमारी टेल लाइट्स की बारी है, इसमें हमने मैट्रिक्स टेल लाइट्स इंस्टॉल किए हैं। और आप एक बार भैया पार्किंग ऑन करना, इसके बाद पार्किंग ऑन करने के बाद आपको एक ओवरलुक मिल जाएगा कि कैसा इसकी गाड़ी में लुक देखने को मिलने वाला है। ये ब्रेक्स एंड पार्किंग दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे इस कार में। और इसके अगर थोड़ा सा लोअर पार्ट पे जाए तो आपको यहाँ पे ये वाला रिफ्लेक्टर देखने को मिलने वाला है। रिफ्लेक्टर डिजाइन भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। और ये भी मैंने ब्रेक मार के जलाई के दिखाई है आपको, तो इसके बाद एक आपको ओवरलुक देखने को मिल जाएगा। ये रिवर्स डालना, और रिवर्स डालने के बाद भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसकी लुक कैसे आनी है। बिल्कुल गाइस ऑडी एंड बीएम वाली फील आती है इसमें, बीएमडब्ल्यू स्टाइलिश गाड़ी को ऑलरेडी कहते हैं, लाइट्स को कहते हैं, तो बहुत ही प्यारी फिनिशिंग और लुक आती है। और इसके बाद गाइस बारी आती है नंबर प्लेट क्रोम की, जो नंबर प्लेट क्रोम में हमने यहाँ पे इस जगह पे हमने नंबर प्लेट में क्रोम लगाया है। नॉर्मली ये बेस मॉडल नहीं आता है, हमने नॉर्मली यहाँ पे भी इंस्टॉल की है और काफी अच्छी इसकी क्वालिटी है और काफी अच्छा मतलब इसमें रस्टिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर नीचे की बात करेगा इस, तो हमने यहाँ पे इसमें बैक एंड फ्रंट गार्ड्स लगाए हैं। आपको फ्रंट का मैंने लुक दिखा दिया था, उसके बाद हमें आपको ये बैक का लुक आपको कुछ इस टाइप में देखने को मिलने वाला है। इसके बाद गाइस बारी आती है हमारे ऑटो फोल्डिंग मिरर्स की, तो ये वाले जो मिरर्स है ऑटोमेटिकली फोल्ड भी हो जाते हैं। अभी एक बार फोल्ड करके दिखा दो वहां से कि फोल्ड कैसे होते हैं ये। सो ये दो तरह से गाइस काम करते हैं, एक तो भैया यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं ऑलरेडी वहां से, सो उसके बाद सेकंड थिंग ये होती है इसमें आप लॉक एंड लॉक पे भी ऑपरेट कर सकते हो इस चीज को। सो भी एक बार वहां से इसकी स्विचिंग दिखा देना कि इसकी स्विच कैसा है। स्विचिंग का एक्चुअली ये एक क्रेटा बेस मॉडल है, लेकिन इन्हें ये पूरा रिप्लेस कर दिया ये स्विच, जो कि बेस मॉडल में नहीं मिलते हैं, आपकी खाली टॉप मॉडल और एसएक्स ऑप्शन में मिलते हैं। तो इन्हें पूरा स्विच रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे एक बटन इंसर्ट किया है। इस बटन को दबाते ही आप जैसे मैं इसे ऐसे दबाया तो मिरर जो फोल्ड हो जाते हैं, बिल्कुल फोल्ड हो जाएंगे। और उसके बाद अगर हम वापस अनलॉक करेंगे इसको तो वापस ये मिरर ओपन हो जाएंगे। बहुत बढ़िया फीचर है। सो गाइस एक फीचर हमारा हमने इसमें और एड ऑन करा है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये बिल्कुल ही ज्यादा ब्लैंक है, मतलब कि यहाँ पे ये आधा शीशा खुला हुआ ऑलरेडी। चाहे आपका जैसे ये एक शीशा खुला हुआ है, तो जितने भी आपके शीशे खुले हैं वो, अगर आप गाड़ी के शीशे खुले भूल जाते हैं तो लॉक करते ये शीशे भी ऑटोमेटिकली बंद हो सकते हैं, उसके लिए भी हमने एक फीचर एड ऑन किया है इसमें। साथ ही साथ अब इसको भी फोल्ड होते हुए देख लेंगे लॉक एंड अनलॉक पे, फोल्ड एंड अनफोल्ड होते हुए। तो एक बार भैया करके दिखा दो ये कि ये लॉक पे आप देख लीजिए, ये भी यहाँ से लॉक का बटन ऑन कर रहे हैं, एक बार लॉक करके दिखा दो। लॉक करते ही देख लीजिए गाइस जितने भी शीशे खुले होंगे एक एक करके सारे बंद हो जाएंगे, ये देख लीजिए ऑटोमेटिकली सारे बंद हो रहे हैं। ये भी शीशा देख लीजिए, सब शीशे ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। सो ये भी एक फीचर था जो आप लोगों को दिखाना बहुत ही जरूरी था।
सो मैंने आपको ये शो करके। इसके बाद बारी आती है इस टाइम सनग्लास होल्डर की, तो सनग्लास होल्डर हमने जो लगाया है बिल्कुल ही अच्छा सिंपल और सोबर लगाया है, और उसका जो कलर है वो इसके इंटीरियर से मैच करता है, जो इसकी छत का इंटीरियर है जो कलर है उससे मैच करता है। उसके बाद ये देख लीजिए प्रॉपरली बहुत इजी है, बहुत अच्छा वर्क करता है ये। और ये अगर आप इसको फंक्शन करते हैं इसमें जिस तरह के मोड में भी आप इसको यूज करना चाहें, डोर मोड या कॉन्टिन्यूसली जलता रहेगा, तो ये देखिए इसका यूज भी बहुत ही। और इसके बाद गाइज एक चीज और इसमें दिखाने रह गई थी जो कि हमारे स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं, ये आप देख लीजिए ये हमने स्टीयरिंग कंट्रोल्स भी इंस्टॉल किए हैं। तो कहीं से कोई इसका गैप है नहीं है तो इसका भी एक आप ओवरलुक ले सकते हैं कि कैसे आपको इस गाड़ी में देखने को मिलने वाले हैं, ये देख लीजिए। और इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको इसे गारंटी वारंटी नहीं मिलती। दो तरह के इसमें फीचर्स वाले आते हैं जिसमें अगर आपको गारंटी वारंटी वाले चाहिए तो गारंटी वारंटी वाले भी मिल जाएंगे, अगर आपको बिना वारंटी के लिए चाहिए तो वो भी चीप प्राइस में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। और भाई इसके बाद बारी जो आती है हमारे डोर वाइजर्स की, हमने इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं क्रोम लाइन डोर वाइजर इंस्टॉल किए हैं, और इसको और लुक इनहेंस करने के लिए हमने इसमें लोअर गार्निश लगाई है जो कि आपकी ना टॉप मॉडल में आती है ना बेस मॉडल में आती है। और उसके अलावा बात करें अगर डोर हैंडल्स की, तो डोर हैंडल्स में हमने क्रोम की इंस्टॉल किए हैं, इसमें हमने इसमें ड्यूअल टेप से ऊपर लगाए हैं, हमने इसमें रिप्लेस नहीं किए हुए, बट इनहेंस करने के लिए बहुत ही चीप प्राइस में अच्छी लुक दे देता है ये। और लोअर साइड में जाएं तो गाइस इसमें हमने डोर गार्ड्स लगाए हैं, डोर गार्ड्स का जो पर्पज होता है वो सेफ्टी पॉइंट के लिए होता है ताकि जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये यहाँ पे टच ना हो, बेसिकली इसलिए ही इसका बेसिक मेन यूज होता है। और इसके बाद बात करें अगर इसकी रूफ रेल्स के बारे में, तो रूफ रेल्स भी बिल्कुल ओरिजिनल शेप में आपको दी गई है, कोई भी कहीं से गैप नहीं दिया। इतनी ज़्यादा जूम करके दिखाने में सिर्फ एक ही रीज़न है ताकि आपको अगर कोई गैप हो तो यहाँ पे इजीली पता चल जाए। गाइस मैं इसमें आपको एक साउंड सिस्टम जो हमने इंस्टॉल किया है उसकी एक आउटपुट सुनाने का टाइम आ चुका है, सो भी एक बार प्ले करके सुना दो कि इसकी आउटपुट कैसी है। सो गाइस हम इसमें NCS का गाना प्ले कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कंपनी फिटेड स्पीकर जब एम्प पे चलते हैं और एक ऊपर जब इसमें इंस्टॉल होता है तो कैसा आउटपुट देखने को मिलेगा। एक बार आउटपुट थोड़ा आवाज खोल दो इसमें, ऑलरेडी गाड़ी का काम सारा खत्म हो चुका है। सो आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर पूरा इंटीरियर रेडी हो चुका है, और इस टाइम ऑलरेडी सारा काम भी खत्म हो जाए। तो भैया एक बार आपको एज अ कस्टमर आप क्या रिव्यू देना चाहोगे जनता के लिए जो इस वीडियो सारे देख रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि मैं भी तो आप वीडियो देख के आए हो, उसका रिस्पॉन्स मेरे हिसाब से जनता को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, जस्ट बिकॉज इट्स वर्थ एवरी पेनी, क्योंकि मैंने जो एक्सपेंडिचर गाड़ी पे किया है तो आई एम फुली सेटिस्फाइड अबाउट दैट। इंटीरियर एंड सीट कवर्स एंड अदर थिंग्स दैट हैव बीन इंस्टॉल्ड, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बिकॉज ये जो भाई यहाँ पे बैठे हैं, इनके बड़े भाई है, इनके अंकल जी है, पापा है इनके, तो काफी कोऑपरेटिव है और काफी हम्बल पर्सन भी है। डिमेरिट्स मेरिट सब बताते हैं इंस्टॉल करने से पहले, तो फिर कस्टमर का कोई वो पंगा नहीं रहता ना। मेनली आपको उन चीजों नॉलेज मिल जाती है कि यार किस चीज की डिसएडवांटेज क्या है और एडवांटेज क्या है। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड अगर किसी को मॉडिफाई भी करवानी हो, चाहे क्रेटा हो या अदर कार हो, तो बालाजी के पास आए और इन भाई से मिले, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है और अच्छे रेट्स भी देते हैं, मतलब सेटिस्फाइड रेट्स होते वो। मेनली गाइस क्या होता है कि शायद देखो हमारे प्राइस में और जनरली और लोगों के प्राइस में शायद थोड़ा सा वेरिएशन मिल जाए, किसी में ज्यादा और कम भी हो, बट सेटिस्फेक्शन मेनली
सेटिस्फाइड अबाउट द वर्क बिकॉज जो इनकी जो इस पे लगा है और जो मैंने एक्सपेंड किया है. सो बेसिकली सबसे ज्यादा चीज अच्छी आपको क्या लगी इसको ऑल ओवर मोटिवेशंस के लिए, जैसे कि आपका जो वायरलेस चार्जर लगा है और सीरियस है. मेरे को एक ही चीज सबसे बेस्ट लगा, एक ही चीज नहीं, दो तीन चीज है जो मेरे को अच्छी लगी. फर्स्ट तो इंटीरियर, ठीक है, मेरे को सबसे क्लासी लगा, ना तो ज्यादा वो ऑकवर्ड है ना तो ज्यादा सिंपल है. बेसिकली जनरली बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा. आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है रेड कलर का करोल बाग में. एक्चुअली तो रेड तो सबके पास है, थोड़ा कॉमन कलर नहीं है ना, कॉमन कलर है और टैन भी ज्यादा से ज्यादा कॉमन कलर है. तो मैंने ब्लू करवाया, ब्लू भी एक मैचिंग कलर रहा और जो आउट कलर जो गाड़ी के बार बार का काम है वो भी मेरे को पसंद आया. और सबसे बेस्ट जो मेरे को दूसरी चीज लगी वो है इनकी हेडलाइट जो आपने इंस्टॉल की कर दी मेनली. और बेसिकली गाइस एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, जो हमने इसमें इंस्टॉल की है वो मेड इन चाइना होती है, मेड इन ताइवान नहीं होती है. क्योंकि काफी सारे लोगों का कंफ्यूजन है इस चीज के अंदर की चाइना और ताइवान में क्या फर्क है. ताइवान गाइस एक ही तरह की आती है सिर्फ और सिर्फ, लोग चाइना को ताइवान करके बेच रहे हैं. ताइवान सिर्फ एक ही तरह की आती है जिसमें जो हमारी सबसे फर्स्ट वीडियो में थी वही सिर्फ एक ताइवान वाली हेडलाइट्स हैं जी. सो गाइस वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे. सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो नीचे आपको दिख जाएगा कि एक नागरिकता घंटा भी है वो बाद में है. और अगर मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो करना है तो डेली अपडेट्स रहती हैं उसके लिए भी. सो इंस्टाग्राम फॉलो करो मेरे को और उसके अलावा आप मेरा चैनल भी